सकता है बदलाव हो जाए इस बार, जैसा व्यापम का ट्रेंड चल रहा है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि 100 प्रश्न का स्ट्रक्चर रेडी ना हो जाए, क्योंकि आप लोग जो शिक्षक भर्ती दिए होंगे इससे पहले 10 जून को हुआ था ना 2023 में, उसके बाद व्यापम ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं अभी तक जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए हैं 10 जून के बाद, सारे एग्जाम में उसने 100 अंक का ही पेपर लिया है, सारे एग्जाम में 100 अंकों का ही पेपर लिया है। तो हो सकता है नया आप लोग का भी स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, जैसा आप देखे होंगे हॉस्टल वार्डन में उसने चेंजेस कर दिया है, और ऐसा लग भी रहा था कि व्यापम जो है ये 100 नंबर पे ही अब पेपर लेगा, सारे पेपर 100 नंबर के ही लेगा, ऐसा लग भी रहा था। तो आप देखे होंगे अभी हॉस्टल वार्डन में 150 नंबर का पेपर होता था 2016 में, जो व्यापम ने लिया था पेपर हॉस्टल वार्डन का 150 नंबर का पेपर था उसमें। 2023 में पीएससी ने भी विज्ञापन जारी किया था, तो पीएससी ने कहा था कि 150 ही प्रश्न पूछेगा वो भी, ये तो खैर निरस्त हो गया था विज्ञापन ये। लेकिन अभी देखेंगे तो विज्ञापन जो जारी हुआ है हॉस्टल वार्डन का, जो व्यापम ने जारी किया है उसमें व्यापम ने 100 प्रश्न कर दिए, और 10 जून के बाद, 10 जून को आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा शिक्षक भर्ती का, उसके बाद व्यापम ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, चाहे वो सहकारिता का हो चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का हो, जितने भी एग्जाम व्यापम ने लिए हैं अभी तक 10 जून के बाद, सारे एग्जाम में व्यापम ने 100 प्रश्न का ही पेपर तैयार किया है, 100 प्रश्न का ही, 100 प्रश्न 100 अंक, यही फिक्स कर दिया है। तो ऐसा उम्मीद लग रही है अब कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो भी 100 नंबर का हो सकता है, समझ आ रहा है, वेटेज को ऊपर नीचे खेलेगा वो, जैसा कि उसने हॉस्टल वार्डन में भी किया है। अब बोल रहे थे लोग कि नहीं कर सकता क्योंकि हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर का कंप्यूटर आना कंपलसरी है, जिसमें मिनिमम 25 नंबर लाना कंपलसरी होता है, हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का सेक्शन बड़ा होता है। तो ऐसा बोल रहे थे लोग जो विशेषज्ञ हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, 150 नंबर का ही लेगा वो हॉस्टल वार्डन का पेपर, लेकिन उसने जारी कर दिया विज्ञापन, आप देखे होंगे सिलेबस स्ट्रक्चर देखे होंगे, 100 प्रश्न ही पूछेगा वो। तो आप लोगों का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, सहायक शिक्षक का इवन व्याख्याता का भी, ये आपको 100 प्रश्न दिखाई दे सकता है, 100 प्रश्न, समझ आ रहा है। तो तैयार रहेंगे, विषय में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं विषयवार भर्ती होगा, तो विषयवार अगर भर्ती हुआ तो सहायक शिक्षक में तो सबको सेम ही पेपर देना है, सहायक शिक्षक में तो कोई चेंज रहेगा नहीं, सबको सेम ही देना है सहायक शिक्षक में, शिक्षक में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, समझ आ रहा है। आर्ट्स वाले एक अलग सेक्शन दे सकते हैं, साइंस मैथ्स वाले एक अलग सेक्शन दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है शिक्षक में। सहायक शिक्षक में तो सबको सेम पेपर ही देना होगा, चाहे वो आर्ट्स वाला हो चाहे वो कॉमर्स वाला हो चाहे वो मैथ्स वाला हो साइंस वाला हो, सबको सेम पेपर ही देना है सहायक शिक्षक में। तो सहायक शिक्षक का तो सबको कॉमन पढ़ाई ही करना है, विषयवार अगर भर्ती हुआ तो भी सहायक शिक्षक में कोई बदलाव नहीं रहेगा, सहायक शिक्षक का सेम पेपर ही रहेगा। शिक्षक में एक सेक्शन अलग से कर सकता है, जैसे आपने सीजी टेट या सी टेट दिया होगा तो आपने देखा होगा 30 प्रश्न, अगर मैं बात करूं सीजी टेट की तो 30 प्रश्न पूछता है, शिक्षक की बात कर रहा हूं, शिक्षक पात्रता के लिए 6 से 8 वाले के लिए 30 प्रश्न सीडीपी का आता है, 30 हिंदी का आता है, 30 इंग्लिश का आता है, 90 तो कंपलसरी रहता है, ये 90 प्रश्न ये कंपलसरी होते हैं। उसके बाद 60 प्रश्न में आप देखे होंगे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जो है ये आपका एक अलग सेक्शन है, और गणित और विज्ञान अलग सेक्शन है, या तो आप 60 ऊपर वाला चूज करो या तो आप 60 नीचे वाला चूज करो अपने विषय के अनुसार, अपने विषय के अनुसार आपको चूज करना होता है, या तो आप जीएस वाला सेक्शन 60 नंबर वाला उठाओ या तो आप मैथ्स और जो साइंस का सेक्शन है गणित और विज्ञान का वो 60 वाला उठाओ। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है शिक्षक भर्ती में भी, जब आप पेपर देंगे शिक्षक भर्ती का, जैसा सीटेट रहा है जैसा सीजी टेट रहा है ना 6 से 8 वाले के लिए, वैसा ही कुछ पेपर आपको शिक्षक भर्ती का मिल सकता है। सहायक शिक्षक में कोई बदलाव नहीं होगा, सहायक शिक्षक एकदम फिक्स रहेगा, सबको सेम पेपर ही देना है। एक ये भी हो सकता है कि सबको सेम पेपर ही देना हो, सहायक शिक्षक का भी और शिक्षक का भी, बस भर्ती करते समय वो क्या करेगा विषयवार भर्ती कर लेगा, ऐसा भी हो सकता है, पेपर सबको सेम ही देना होगा, बस भर्ती करते समय वो क्या करेगा विषयवार भर्ती कर लेगा। मैथ्स वाला बच्चा मैथ्स वाले में जाएगा,
विषयवार भर्ती कर लेगा, पेपर सबका सेम हो सकता है, एक ऐसा भी उम्मीद लगाया जा रहा है। क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि जो सिलेबस है वो 9-10 तक का तो है बस, और 9-10 तक तो आप सभी पढ़े हैं सेम चीजों को, तो विशेषज्ञों का कहना ये भी है कि आप पेपर को सेम रखिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक का पेपर को सेम रखिए सभी के लिए, जैसा पिछले साल हुआ था। भर्ती करते समय आप विषयवार भर्ती कर लीजिए, तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 150 प्रश्नों का स्ट्रक्चर है, ये 100 प्रश्न हो सकता है, इससे भी एक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 150 प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर है ये 100 प्रश्नों का हो सकता है, इसकी तो पूरी पूरी संभावना लग रही है। क्योंकि व्यापम ने अगर ये फिक्स कर लिया है कि 100 प्रश्न ही पूछेगा, उसने OMR सीट भी 100 वाली ही फिक्स कर ली होगी, उसने अपने सेट भी कर लिया होगा 100 प्रश्नों का ही पूरा प्रोग्रामिंग, की 100 प्रश्न ही आएंगे, 100 के हिसाब से ही प्रॉपर चेकिंग होगा। एक होता है ना कि मैंने 100 का फिक्स कर लिया है, अब सारी चीजें 100 के हिसाब से ही चलेंगी, चाहे वो OMR सीट की बात हो, समझ आ रहा है, उसके जेरोक्स की बात हो जो आपको मिलता है, चाहे वो चेकिंग की बात हो, प्रोग्रामिंग भी 100 के हिसाब से सेट हो गई है, तो आगे सारे एग्जाम हो सकते हैं वो 100 के हिसाब से ले लो। हॉस्टल वार्डन को जब 100 कर सकता है तो फिर ये बड़ी बात नहीं है। अब अगर 100 किया तो वो अपने हिसाब से वेटेज को कम ज्यादा करेगा इसमें। फिलहाल जो आपके पास सिलेबस है वो डील कर रहा हूं मैं, फिलहाल जो सिलेबस अभी वर्तमान में है 2023 में जो परीक्षा हुई है सहायक शिक्षक की और शिक्षक की, उसको समझा रहा हूं मैं आपको। ये भी बता दूंगा कहां पे क्या चेंजेस आ सकता है 100 नंबर का किया तो सहायक शिक्षक देख सकते हैं, सहायक शिक्षक मतलब वर्ग 3 का अगर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर है, तो कुल 150 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब कुल 150 अंकों का पेपर हुआ था सहायक शिक्षक का। अब जहां से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे 30 अंक के, मतलब पहला जो सेक्शन है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP का, जहां से कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे 30 अंक के। दूसरा है सामान्य हिंदी, जहां से 25 प्रश्न बने थे 25 अंक के। सामान्य अंग्रेजी, जहां से 25 प्रश्न 25 अंक के बने थे। गणित, जहां से 30 प्रश्न 30 अंक के बने थे। पर्यावरण अध्ययन, जहां से 20 प्रश्न बने थे 20 अंक के। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न बने थे 10 अंक के। और लास्ट है सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न 10 अंक के। सामान्य ज्ञान लिख दिया है, लेकिन सामान्य ज्ञान में बहुत कुछ कवर करना है आपको, इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान कवर करना होता है, भारत का पूरा सामान्य अध्ययन कवर करना होता है, जिसमें भारत का इतिहास है, भारत का संविधान है, भारत का भूगोल है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान भी है जिसमें पर्यावरण भी है, प्रौद्योगिकी भी है, कला संस्कृति साहित्य दर्शन सब कुछ है, मतलब GS का पूरा सेक्शन है, भारत का पूरा सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान, सब कुछ मिला करके केवल 10 ही प्रश्न है, केवल 10 प्रश्न है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 1-2 प्रश्न आते हैं। आप देखे होंगे 2019 का पेपर 2023 का, तो छत्तीसगढ़ के 2 प्रश्न के आसपास रहते हैं यहाँ पे, बाकी भारत के सामान्य अध्ययन से रहते हैं। तो बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन वेटेज बहुत कम है, इसीलिए बोलते हैं सहायक शिक्षक का पेपर देना है तो GS का बहुत बड़ा वेटेज उसमें नहीं है, पढ़ना बहुत कुछ है इसमें। अब तो जो पूरा छत्तीसगढ़ कवर करोगे 2 ही प्रश्न आएंगे वहां से, पूरा भारत का सामान्य अध्ययन मतलब इतिहास पूरा, संविधान पूरा, भूगोल पूरा, अर्थव्यवस्था पूरा, सामान्य विज्ञान पूरा पढ़ना है आपको, कला संस्कृति साहित्य दर्शन सब पढ़ना है, इतना सब पढ़ लो और प्रश्न केवल 10 ही है आपके। तो GS का सेक्शन बहुत बहुत कम वेटेज का है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर 2019 और 2023 का रहा है 150 प्रश्न का। अब यहाँ पे अगर 100 किया तो क्या चेंजेस करता है वो देखने वाली बात होगी, समझ आ रहा है, क्या चेंजेस करता है वो देखने वाली बात होगी, किसी को कम किसी को ज्यादा करेगा वो, ज्यादा तो खैर क्या ही करेगा, इससे कम ही करेगा इनको। लेकिन एक बात ये भी तैयार रही है कि गणित को बहुत ज्यादा कम करने के मूड में व्यापम नहीं है, व्यापम ने हॉस्टल वार्डन का पेपर जो ले रहा है, जो विज्ञापन जारी किया है, वो विज्ञापन से ये सिद्ध कर दिया कि व्यापम के एग्जाम्स अगर आपको निकालने हैं तो गणित को तैयार करना पड़ेगा, व्यापम ने ये सिद्ध कर दिया। हॉस्टल वार्डन का विज्ञापन निकाल के व्यापम ने ये दर्शा दिया है कि अगर आपको व्यापम के एग्जाम्स निकालने हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे वो RI पटवारी हो, मंडी इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, व्यापम ने ये सिद्ध कर दिया है कि गणित को रेडी करना पड़ेगा आपको। आप देख सकते थे हॉस्टल वार्डन में कहां 150 में 20 प्रश्न पूछ रहा था गणित के,
और अभी 100 में 25 कर दिया उसको। छत्तीसगढ़ के 20 से सीधे 5 में उतर गए। छत्तीसगढ़ का 20 प्रश्न पूछ रहा था 150 में, अभी वाले में 5 ही प्रश्न बोल रहा है तैयार करो, उसमें भी क्या पढ़ना है आपको, छत्तीसगढ़ का इतिहास, राजनीतिक प्रशासन वगैरह पढ़ना है और व्यक्ति को पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ को तो लुप्त ही कर दिया है, जबकि सही नहीं है ये। अगर आप छत्तीसगढ़ स्तर पे एग्जाम ले रहे हो तो छत्तीसगढ़ की जानकारी को तो और बढ़ाकर देना चाहिए आपको। अब खैर जो कर रहा है उसी को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा आपको। तो मान के चलिए गणित तो आपको देखने को मिलेगा ही अच्छे खासे वेटेज में, आगे जाके जो आरआई का पटवारी का एग्जाम भी होगा उसमें भी आप देखना गणित के वेटेज को वो लंबा चौड़ा रखने वाला है। तो यहां पर अगर 100 नंबर का आया स्ट्रक्चर रेडी हुआ 100 नंबर का, तो सीडीपी और ये जो गणित है ये 25-25 का दिखाई दे सकता है आपको। सीडीपी और गणित जो है 25-25 का दिखाई दे सकता है, मैनेज करेगा वो देखना। सीडीपी और गणित आपका देखना 50% ना कवर कर दे। जैसे हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर और गणित का प्रश्न को मिलाओगे तो 100 में 55 प्रश्न हो जा रहा है, वैसे ही ना हो जाए अगर आप देखेंगे सहायक शिक्षक का। अगर मान लो 100 प्रश्न ही पूछा 100 अंकों का, इसमें 25 का सीडीपी ना पूछ ले और 25 का गणित, मतलब 50% तो यहीं से कवर कर देगा वो 50%। बाकी बचे 50% में आपका लैंग्वेज, पर्यावरण, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान को मिला देगा वो। समझ आ रहा है? तो तैयार रहेंगे, गणित को तैयार करना पड़ेगा अच्छी से अगर आपको व्यापम के एग्जाम्स निकालने हैं आगे भी। तो इसके साथ साथ और एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूँ, आपको व्यापम के एग्जाम्स अगर निकालने हैं, फाइट करना है, तो गणित विषय को पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल 150 प्रश्न के हिसाब से देखिए 100 में वो क्या करेगा, तो देखेंगे आगे चल के, विज्ञापन जब जारी होगा तब की बात है वो। तो 150 प्रश्न में आप देख सकते हैं सीडीपी का अच्छा खासा वेटेज है 30 प्रश्न का, हिंदी 25 प्रश्न का, अंग्रेजी 25 का, गणित 30 का, पर्यावरण 20 का, कंप्यूटर 10 का और सामान्य ज्ञान 10 का है। ये पूछा गया था 150 प्रश्न। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत के लिए 0.25 माइनस होगा आपका, ध्यान रखिएगा 1/4 माइनस मार्किंग होता है व्यापम में जनरली। सही उत्तर टिक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर आप टिक करेंगे तो 0.25 माइनस होगा आपका। 1/4 माइनस मार्किंग है तो सही के लिए जितना मिलता है उसका 1/4 कर लीजिए तो कितना आएगा 0.25। समझ आ रहा है? जबकि सीटेट या सीजीटेट की बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता उसमें। समझ आ रहा है? क्योंकि वो पात्रता परीक्षा है और ये आपका भर्ती परीक्षा है, दोनों में अंतर होता है। वो पात्रता परीक्षा इसीलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां पे, लेकिन ये भर्ती परीक्षा है इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सहायक शिक्षक की बात हो गई, मैं ये विषय डील करूंगा आपका गणित, ये वाला सेक्शन में डील करूंगा। अभी आएंगे ये 30 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, उससे पहले शिक्षक का एक बार देखिए क्या है स्ट्रक्चर। शिक्षक का स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार, शिक्षक का स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो देखा जाए तो कुल 150 प्रश्न यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं 150 अंकों के। अब यहाँ पे कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए, तो पहला वही सीडीपी का देखेंगे सेक्शन, 30 प्रश्न है 30 अंकों के। दूसरा देखेंगे सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न 25 अंक का। तीसरा देखेंगे सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंक का। यहाँ पर पहला चेंज आया, गणित और विज्ञान मिलाकर 30 प्रश्न, जबकि सहायक शिक्षक में केवल गणित था, यहाँ पर गणित और विज्ञान मिला करके 30 प्रश्न है, 15 गणित के हैं और 15 विज्ञान के हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से चेंज आ गया, देखिए सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन के यहाँ पे 20 प्रश्न है, जबकि वहां पे पर्यावरण था। सामाजिक अध्ययन बोलने का मतलब जीएसटी कवर करना है मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो। इसमें छत्तीसगढ़ भी है, इसमें संविधान भी है, इसमें भूगोल भी है, इसमें इतिहास भी है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, मतलब जीएस वाला सेक्शन ही है मान के चलिए। ये थोड़ा सा पैडागॉजी भी पढ़ना पड़ता है आपको। इसके बाद ये सेम है और ये भी क्या है सेम। तो यहाँ पर जीएस का वेटेज बढ़ गया, जीएस कितने नंबर का हो गया 30 नंबर का। समझ आ रहा है? सामान्य ज्ञान भी जीएस है मान के चलिए और सामाजिक अध्ययन भी जीएस ही है ये भी मान के चलिए। तो यहाँ पे जीएस का वेटेज बढ़ गया है, यहाँ पे पर्यावरण को हटा दिया है। समझ पा रहे हैं? और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, तो हिंदी में हिंदी का पैडागॉजी भी है, अंग्रेजी में अंग्रेजी का पैडागॉजी भी है, गणित में गणित का पैडागॉजी भी है, पर्यावरण में पर्यावरण का पैडागॉजी भी है, मतलब शिक्षण शास्त्र। वो बात अलग है कि 23 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा वहां से, और यही तो दिक्कत वाली बात भी हो गई थी खास करके गणित में, जहां पे बच्चों को लग रहा था 30 में से 12-13 तो पूछेगा गणित के पैडागॉजी से और फटाफट टिक मारेंगे उसको, 30 के 30 पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ लिया था, कहीं से पैडागॉजी नहीं पूछा था वो।
कहीं से नहीं पूछा था, समझ आ रहा है? गणित छोड़िए, हिंदी से भी नहीं पूछा, अंग्रेजी से भी नहीं पूछा, किसी से भी वो पैडागोजी का प्रश्न नहीं पूछा था, है लेकिन सिलेबस में। अच्छा 19 का पेपर देखेंगे, 19 का 2019 में, तो गणित का 30 में से 12 प्रश्न पूछा था पैडागोजी का, गणित के पैडागोजी से। मूर्त अवधारणा क्या होती है इनमें से, अमूर्त अवधारणा क्या है, ऐसे बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, अवधारणाएं भी हैं। एक भी प्रश्न लेकिन 2023 में नहीं बना था, ये थोड़ा दिक्कत भी कर दिया था, समय को मैनेज नहीं कर पाए बच्चे को खासकर। 30 प्रश्न और अच्छे प्रश्न पूछा था, शिक्षक से ज्यादा अच्छा प्रश्न तो सहायक शिक्षक में पूछा था गणित का, शिक्षक का प्रश्न तो आसान था, बल्कि जो 15 प्रश्न वहां पूछा था, सहायक शिक्षक का प्रश्न अच्छा लेवल का पूछ लिया था, और 30 के 30 प्रश्न पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसमें एक भी थ्योरी का पोर्शन नहीं था, पूरा न्यूमेरिकल था, इसलिए समय को मैनेज ही नहीं कर पाए बच्चे। उनको था कि 12 प्रश्न 13 प्रश्न पूछेगा पेडागोजी का और बन ही जाता है वो, अगर थोड़ा भी आप अच्छी से पढ़ाई किए हैं, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान आपको है, तो पेडागोजी के प्रश्नों को लगा ही लेंगे आप। लेकिन दिक्कत यही हुआ था कि इसमें पेडागोजी का एक भी प्रश्न नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, कहीं पे नहीं आया, ना शिक्षक में आया, ना शिक्षक में आया। तो तैयार रहेंगे दोनों के लिए, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, कुछ भी हो सकता है, क्या पता फिर से ना आए, क्या पता फिर से आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सिलेबस में जो है वो पूरा रेडी करना पड़ेगा आपको। लेकिन 2023 की बात कर रहे होते, इसमें एक भी प्रश्न पेडागोजी से नहीं पूछा था, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो आपका पेडागोजी का अलग से सेक्शन ही है, उसको छोड़ दीजिए। इनमें जो पेडागोजी है उनसे एक भी प्रश्न पेडागोजी के नहीं बने, समझ आ रहा है? तो रेडी आपको रहना पड़ेगा हर चीज के लिए, कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आ सकता है, हो सकता है किसी सेक्शन से कम आए, किसी से ज्यादा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, पेडागोजी को पूछे ही ना, हो सकता है पेडागोजी के 10-12 प्रश्न भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। जैसे आप सीटेट देते होंगे तो वहां पे लिख देता है पूरा सिलेबस में ही कि गणित के 30 में से 15 पेडागोजी के, 15 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके, ऐसा लिखता है पूरा, हिंदी का पूरा लिख देता है, वो अलग से मेंशन करता है। ऐसा व्यापम का कुछ रूल नहीं है, ना इसने डिस्क्राइब किया, समझ आ रहा है? तो आप अपने मन से ऐसा कुछ एज्यूम मत कर लीजिएगा कि यहां से इतने आएंगे, यहां से इतने आएंगे। आप 19 का पेपर देखिए, 23 का पेपर देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। 19 और 23 का पेपर देखेंगे तो आप सीजीटेट का पहले का पेपर देखिए, अभी का देखिए, उसमें भी डिफरेंस दिखाई दे देगा आपको। तो व्यापम पीएससी ये जो है इनमें कुछ कुछ भी फिक्स नहीं है। आप पीएससी को देख लो, इस बार को, इस बार का पीएससी का जो प्री हुआ था, ऐसा दे दिया था कि ये पता नहीं क्या दिया है, मतलब इसको कोई बच्चा भी बना लेगा, ऐसा पेपर दिया था। और 2021-22 का पेपर देखिए, उसको मतलब कोई बना ही नहीं पाएगा, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। 2021-22 का पेपर देखिए, सीसेट का देख लीजिए, 10 तो प्रश्न नहीं बनता था, और इस बार 10 प्रश्न बनाने के जगह आप पूरे 100 बना दोगे, ऐसे प्रश्न आए थे। तो कुछ भी फिक्स नहीं रहता, ना पीएससी का ना व्यापम का, सिलेबस में जो है पूरा रेडी कर लीजिए आप। तो गणित विषय का वेटेज ठीक है, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी, अगर 100 किया तो वेटेज का और फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। व्यापम गणित को कम तो नहीं करने वाला, ये व्यापम ने सिद्ध कर दिया है। आरआई पटवारी में भी गणित और रीजनिंग भर भर के रहता है, तो गणित को तैयार करना पड़ेगा। चलिए तो बात करेंगे गणित विषय की। तो सहायक शिक्षक में 30 प्रश्न पूछेगा गणित के। अब ये 30 प्रश्न कहां से पूछेगा, डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे तो क्या है 30 प्रश्नों का सिलेबस, देखिए सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों चैप्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इकाई एक और इकाई दो, ये गणित का पेडागोजी है, इसी को बोलते हैं गणित का शिक्षण शास्त्र। यहीं से एक भी नहीं पूछा था, इसी की बात कर रहा हूं, गणित का शिक्षण शास्त्र है। 2019 में 12-13 प्रश्न पूछा था, यहां से नोट मत करिए, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, यहां से 12-13 प्रश्न पूछा था 2019 में, लेकिन इस साल 2023 वाले में एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अब यहां पे सीखना पड़ेगा आपको गणित होता क्या है, गणित की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आपको गणित बच्चों को पढ़ाना है, उससे पहले सीखना पड़ेगा कि पढ़ाया कैसे जाता है, समझ आ रहा है? तो ये गणित का जो पैडागोजी है आपको सिखाएगा कि गणित कैसे पढ़ाया जाता है, समझ आ रहा है? थ्योरी पोर्शन है, ऐसा नहीं कि रट लेंगे तो निकल जाएगा, ये पोर्शन आपको समझना पड़ेगा व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ में। थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। मूर्त अवधारणा क्या होती है आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा। अमूर्त अवधारणा क्या होती है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, तो ये कौन सी अवधारणा है, मूर्त है कि अमूर्त है? अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, त्रिभुजाकार कोई खेत है मेरे पास में, उसका क्षेत्रफल अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो ये कौन सी अवधारणा है, मूर्त है कि अमूर्त है कि दोनों है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे रट के काम नहीं चलने वाला, आपको पता हो कि मूर्त अवधारणा का मतलब क्या होता है एक्चुअल,
अमूर्त अवधारणा का मतलब क्या होता है और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे, ये भी तो बता होना चाहिए। यही नहीं पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं तो प्रश्न करने से मतलब नहीं है। दो सम संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, इसको कैसे सिद्ध करोगे? अब इसके लिए पहले ये तो पता हो कि सम संख्या क्या होती है, वही नहीं पता है आपको। एक बच्चे को 3D आकृति पढ़ाना है, आपको गोला पढ़ाना है, कैसे पढ़ाओगे, किस अवधारणा के तहत पढ़ाओगे? अब पता ही नहीं है गोला क्या होता है, क्या पढ़ाओगे, क्या प्रश्न करोगे आप? तो पहले तो आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए गणित की। गणित की बेसिक जानकारी पता होगी तभी गणित का शिक्षण शास्त्र आपसे बन पाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? संख्याएं पता होनी चाहिए। आते हैं एग्जाम्पल, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों से रिलेट करके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न बनाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना किस प्रकार की अवधारणा है, गोले का एग्जाम्पल किस प्रकार की अवधारणा है। अगर बच्चे को पढ़ाना है बेलन, आप पढ़ा रहे हो बेलन, किस अवधारणा के तहत पढ़ा रहे हो? समझ पा रहे हैं? बहुत कुछ पढ़ना है तो थोड़ा सा व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि थ्योरी है, नोट्स दे दो रट लेंगे, तो नहीं बन पाएगा। ये समझना पड़ेगा आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोला बच्चे को गोला पढ़ाना है आपको, अब गोला कैसे पढ़ाओगे, गोला तो ड्रॉ भी नहीं कर सकते। मैं बोला बच्चे को बेलन पढ़ाना है आपको, तो बेलन कैसे समझाओगे बच्चे को? छोटा बच्चा है, वो क्या जानेगा बेलन क्या होता है? और आपको पढ़ाना है बेलन, बेलन के फॉर्मूले आप निकलवा रहे हैं उसको, बेलन का आयतन ये होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। बच्चे को पता ही नहीं बेलन क्या होता है, तो काहे का वक्र पृष्ठ, काहे का संपूर्ण पृष्ठ, तो बच्चे को कैसे समझाएंगे बेलन? बच्चे को कैसे समझाएंगे गोला? बच्चे को पता ही नहीं गोला क्या होता है, तो बच्चे को गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या पता रहेगा यार? तो पहले तो बच्चे को आपको बताना पड़ेगा गोला क्या होता है। तो वहां पे तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है कि आप गोला निकाल के दिखा दिए कि ये रहा गोला, वहां पे तो व्हाइट बोर्ड रहेगा, वो ढंग का रहेगा कि नहीं वो भी नहीं पता आपको। वहां पे कहां डिजिटल बोर्ड कि आप ऐसा निकाले, ये देखो डिजिटल बोर्ड में तो ऐसा है यार, डिजिटल बोर्ड लगवा देना चाहिए। देखो डिजिटल बोर्ड में तो ऐसा है, ये निकालेंगे आप, ये देखिए ऐसा होता है गोला, आप बता सकते हैं। डिजिटल बोर्ड का तो ये फायदा हो जाता है, स्कूलों में तो लगवा देना चाहिए ताकि बच्चे समझ पाए, स्कूलों में करवाना चाहिए व्यवस्था ताकि बच्चे समझ पाए। देखो गोला, इसको ऐसा दिखाऊंगा बच्चे को तो सब समझ जाएगा गोला क्या होता है। समझ आ रहा है? बच्चे को ऐसा दिखाओगे कि बेलन ऐसा होता है, देखो समझ जाएगा बेलन कैसा होता है देखो। लेकिन स्कूल में थोड़ी है ये डिजिटल बोर्ड कि आप ऐसा निकाले बेलन, ये देखिए बेलन ऐसा होता है, गोला ऐसा होता है। तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि गोला कैसा होता है। अच्छा, इस बोर्ड का फायदा ये है कि मुझे समझाने में आसानी हो जाती है। जब 3D पढ़ाऊंगा मैं तो आप देखना इमेजिन कर लोगे पूरा। वक्र पृष्ठ क्या होता है देखिए, ये जो सतह है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, इसको बोलते हैं देखिए वक्र पृष्ठ। समझाने में थोड़ा आसान हो जाता है। कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, ये देखिए ये जो है ना इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। संपूर्ण बोलूंगा तो एक नीचे वाला वृत्त, एक ऊपर वाला वृत्त भी शामिल हो जाएगा, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। आयतन मतलब क्या, इसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या है आयतन। आप कहां बैठे हैं, आयतन में तो बैठे हैं, किसके, घनाभ के। रूम कैसा है, घनाभ के आकार का है ना, एक ठो फलक वो, एक ठो फलक ये, एक ठो ऊपर, एक ठो नीचे, एक ठो ये, एक ठो ये, 6 फलक हो गया। आप कहां बैठे हैं, आयतन में, घनाभ के आयतन में, ऐसे समझना है आपको। ये अवधारणाएं हैं जो मैं बता रहा हूं ना आपको एग्जाम्पल कि आप कहां बैठे हैं आयतन में। ये मैथ की अवधारणाएं हैं जिसके तहत मैं आपको सिखा पा रहा हूं। लेकिन इन अवधारणाओं को बोलते क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे को आप गोला कैसे सिखाओगे, ये दिखा तो पाओगे नहीं, तो बच्चे को आप बोलोगे कि भाई फुटबॉल जो देखे हो, बच्चा देखा होगा फुटबॉल, टेनिस बॉल जो देखे वो क्या है, गोला, ऐसा सिखाओगे बच्चे को। तो ये अवधारणा है, किस अवधारणा के तहत आप बच्चे को सिखा रहे हैं 3D की आकृतियां। समझ आ रहा है? किस अवधारणा के तहत बच्चे को सिखा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं के नाम हैं, उन्हीं को सीखना है आपको यहाँ पर। तो बच्चे को पढ़ाएंगे तभी जब आपको पढ़ाना तो आए, बच्चे को पढ़ाना तो और टफ काम है यार। समझ आ रहा है? बच्चों को पढ़ाना और टफ काम है, तो उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा पढ़ाया कैसे जाता है, किन अवधारणाओं के तहत पढ़ाया जाता है, वही सब आपको यहाँ सीखना है। देखेंगे इसको कैसे पढ़ना है, सिखाऊंगा मैं। नहीं पूछा था एक भी प्रश्न, लेकिन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो वही सब चैप्टर्स हैं जो आप जनरली व्यापम के एग्जाम्स में पढ़ते आए हैं, वही सब चैप्टर्स हैं। देखिए दशमलव प्रणाली मतलब यूनिट का खेल है, लंबाई का यूनिट, क्षेत्रफल का यूनिट, आयतन का यूनिट, इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए एक दूसरे में। तो पूरा का पूरा यूनिट पे आधारित है पहला इकाई जो है, ये देखिए पहला इकाई पूरा का पूरा यूनिट पे आधारित है।
उसके बाद वही सब चैप्टर संख्याएं, जिसमें अलग अलग प्रकार की संख्याएं कवर करनी है आपको, इसके बिना तो मैथ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद देख सकते हैं साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, यहां से प्रश्न व्यापम हमेशा पूछता है। भिन्नों को आरोही क्रम में जमाओ, देखिए ऐसा प्रश्न हमेशा आता है। इस प्रकार की भिन्न संख्याएं आपको दी रहेंगी, बोलेगा इनको आरोही क्रम में जमाओ, आरोही में जमाओ, सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन पता करो। ऐसे प्रश्न देखे हैं बार वाले प्रश्न, 2.3 बार, इसको पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करो, व्यापम का पसंदीदा प्रश्न। सहायक शिक्षक में आया था एक प्रश्न, याद है क्या ऐसा कुछ, याद है क्या, 0.09 इस पे बार लगा था इंटू 7.3, ऐसा कुछ प्रश्न याद आ रहा है, एक प्रश्न आया था सहायक शिक्षक में पिछले साल ही तो दिए होने, याद याद नहीं है क्या, जैसे इंडिविजुअल याद नहीं रहता है, आप पढ़ाते इसलिए आपको याद रहता है, आपसे अगर छत्तीसगढ़ का पूछेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ याद नहीं होगा, याद है क्या ऐसे प्रश्न आए थे सहायक शिक्षक में, ये प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, ठीक है याद नहीं होगा तो भी चल जाएगा। तो ये चैप्टर जो है व्यापम का पसंदीदा चैप्टर रहा है, ऐसा प्रश्न आता है, ऐसा प्रश्न आता है, करेंगे डील। ये वही चैप्टर से जो व्यापम के एग्जाम्स में आप देखते आए हैं, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, ये देखिए बॉडमास रूल यहां से प्रश्न पूछता है, वर्गमूल घनमूल, यहाँ घनमूल लिखा नहीं केवल वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने की विधि दो दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक होती है आपकी भाग विधि, ये देखिए भाग विधि भी है, भाग विधि सीखे क्या, ऐसा भाग विधि होता है जो 6084, ये हो गई गुणनखंड विधि, और भाग विधि क्या होती है बचपन में सीखे क्या, ऐसा 6084 को ऐसे लिख दीजिए, इकाई के अंक से दो दो का जोड़ा बनाइए, यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ आप, चलो हाँ हाँ बोल रहे हो बताओ, तो क्या टेबल आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, 7 × 49, ठीक, स्क्वायर्स का यूज करते हैं, 7 × 7 कितना 49, ऐसा लिखते हैं, इसको बोलते हैं भाग विधि। याद आ रहा है कुछ 9th में 10th में, 9th 10th तो पढ़े होगे ना गणित की, नहीं पढ़े हो कि 9th 10th भी नहीं पढ़े हो गणित, ऐसा कोई स्कूल था क्या जहां गणित नहीं था 9th 10th में, टीचर नहीं थे लेकिन पास हो गए कल के दिन यहां से पास हो गए तो टीचर थे, ढंग से पास हो गए तो टीचर थे, अगर शिक्षक भर्ती में आप सेलेक्ट हो गए, और मेरी ईश्वर से कामना है कि आप सब हो जाएं, इतने पद है तो होना भी चाहिए, लेकिन आप लोग का मेंटेलिटी ये है कि अगर कल के दिन यहां से आप सेलेक्ट हो गए, उड़ान में अच्छे टीचर थे, नहीं हुए तो नहीं थे नहीं हुए तो नहीं थे अच्छे टीचर, हो गए तो थे, नहीं हुए तो नहीं थे, ये जनरली होता ही है, मैंने भी किया ऐसा होना भी चाहिए ऐसा, आप आए हो तो सिलेक्शन दिलाओ भाई, हमको मार पीट के दिलाओ, डांट के दिलाओ, लेकिन हमको सिलेक्शन दिलाओ, ऐसा आना चाहिए आपको, हम आ गए हैं पैसा दे दिए हैं, सिलेक्शन दिलाना आपकी जिम्मेदारी, आप मारो पीटो भगाओ, नहीं पढ़ रहे हैं कॉपी चेक करो भगाओ, लेकिन सिलेक्शन दिलाओ हमारा, और 33,000 पोस्ट में नहीं मिल पाए तो फिर कैसे मिलेगा यार, ऐसा तो नहीं 33,000 के बाद 40,000 पद और खाली रहेंगे सर 75,000 के आसपास पद खाली है ना पूरे छत्तीसगढ़ में अभी भी शिक्षकों के, ऐसा तो नहीं 33 के बाद 40 और भी तो आएंगे सर, उसमें देखेंगे वो 40 आते तक 40 साल भी लग जाएगा मान के चलिए, अंतिम मौका है, 12,489 तो गए, अंतिम मौका है ये, इसमें ले लो, इसमें नहीं लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वो बीएड का डिग्री जो किए हो ना ज्यादा काम तो नहीं रहेगा, वो भी बीएड वाले वर्ग 3 का एग्जाम नहीं देंगे भाई, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में जो पूछ रहे हैं क्यों नहीं देंगे मत पूछना, बार बार बच्चे मेरे को ही बोलते हैं क्यों नहीं देंगे सर, अरे जो शासन ने नियम निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो करना है यार, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला, मेरा बस चले तो मैं तो बोलू सब दे दो यार, जो नहीं किया बीएड वो भी दे दो मेरा बस चले तो मैं ये बोल दूं यार, जो बीएड नहीं किया ग्रेजुएशन जो किया जाओ सब भरो फॉर्म, तो ओपन है सबके लिए, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, वैसे देना चाहिए बीएड वालों को वर्क 3 का, ये तो ऐसा हो गया 12वीं पास की हो तो 5वीं वाले को नहीं पढ़ाओगे आप, 5वीं पढ़ाने के लिए 5वीं पास होना चाहिए बस अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप 5वीं नहीं पढ़ा सकते, ऐसा नियम हो गया ये तो यार, खैर अब जो भी है देखो पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स को, देख लीजिए अगला है HCF और LCM,
इंपॉर्टेंट है ये, तो व्यापम का पसंदीदा चैप्टर रहा है। दो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से, अब ये भी याद नहीं होगा कौन से दो प्रश्न थे। एक ऐसा कुछ प्रश्न देखे थे, दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, अभाज्य संख्याएं हैं जिनका एलसीएम है 161, तो आपसे पूछा था 3y - x का मान क्या होगा, ऐसा एक प्रश्न था असिस्टेंट टीचर में पूछा गया था। दो संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई जिनका एलसीएम 161 है, तो 3y - x का मान क्या होगा पूछा था। ये तो ऐसा प्रश्न था ना कि अगर आप थोड़ा सा व्यापम को एनालिसिस करके जाते तो इसका आंसर ही याद कर लेते, क्योंकि इससे पहले ये एग्जाम ये प्रश्न 3-4 बार ही पूछ चुका है, 3-4 बार पूछ चुका है सेम प्रश्न सेम डेटा के साथ। इसका आंसर तो बच्चों को याद होता है, -2 आता है ऐसे याद होता है इसका आंसर, क्योंकि सेम यही प्रश्न पटवारी में, आरआई में, हॉस्टल वार्डन में, ये लगभग 4-5 एग्जाम में सेम डेटा के साथ पूछ चुका है। अगर आप थोड़ा सा व्यापम का एनालिसिस करके जाते कि व्यापम के पुराने साल के जो प्रश्न है वो लगा के जाते, तो इस प्रश्न को देखते आप 3-4 बार, और यही प्रश्न पूछा था माइनस, तो इसको रट के जाते आप, इतने बार लगा लेते इसका उत्तर ही याद होता, कोई चेंज नहीं करता है, सेम डेटा के साथ प्रश्न को पूछता है, -2 आता है इसका आंसर। एक और प्रश्न आया था जो कि इस रिजल्ट पे आधारित होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा कुछ पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। व्यापम का एकदम पसंदीदा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा है वो इस चैप्टर से इसी रिजल्ट के इर्द गिर्द पूछा है, ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं इसी रिजल्ट के आसपास था। और एक और प्रश्न पूछा था व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्याओं का योग दिया था उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया था उनके व्युत्क्रमों का योग, बहुत आसान एकदम घटिया प्रश्न था, मतलब वो देख ही कैंसर आ जाता है ऐसा प्रश्न था। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करके गए होते ना व्यापम को, तो ये आराम से प्रश्न कर लेते, क्योंकि व्यापम के जो पसंदीदा टॉपिक है ना उन्हीं से प्रश्न पूछा था वो, ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, इस रिजल्ट पे तो लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा है, केवल थोड़ा सा एनालिसिस करने की आवश्यकता थी आपको। खैर, दो प्रश्न पूछा था यहाँ से असिस्टेंट टीचर ने। इसके बाद औसत, ये तो बेसिक चैप्टर है, इसको पूरा डील करना ही पड़ेगा आपको, औसत को समझेंगे यहाँ से प्रश्न बनते ही है। आगे देखेंगे तो और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, प्रतिशत है, प्रतिशत रहेगा तो लाभ हानि तो रहेगा ही, क्योंकि प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है लाभ हानि, प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है, केवल शब्द चेंज होते हैं। प्रतिशत में जिसको आप प्रारंभिक मान बोलते हैं लाभ हानि में क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। प्रतिशत में अंतिम मान लाभ हानि में क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। प्रतिशत में वृद्धि लाभ हानि में क्या बन जाएगा, लाभ। प्रतिशत में कमी लाभ हानि में हानि। कंसेप्ट एकदम सेम, कुछ चेंजेस नहीं होगा, कंसेप्ट एकदम सेम चलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम प्रश्न होते हैं, कंसेप्ट सेम, नाम चेंज हो जाएगा बस। तो पढ़ेंगे इसको आगे चलकर। साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है यहाँ पे, केवल साधारण ब्याज है। उसके बाद अनुपात समानुपात है, चाल समय दूरी है, चाल समय दूरी में आपका रेलगाड़ी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको नाव धारा पढ़ना पड़ेगा, समय कार्य पाइप और टंकी भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन भी शामिल है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन भी शामिल है, समय कार्य को अलग से लिख दिया है। ये आपका सिलेबस है सहायक शिक्षक के लिए, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इस सिलेबस पर आधारित, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का सेक्शन है। अब ज्योमेट्री के सेक्शन को मैं अलग से ही मेंशन कर रहा हूँ कि क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं, जो कि दोनों में काम आएगा। तो ज्योमेट्री वाले सेक्शन में सबसे पहले तो आप रेखा और कोण को पूरा डील करेंगे। रेखा और कोण का मतलब अलग अलग प्रकार की रेखाएं, जैसे समानांतर रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, अलग अलग प्रकार की रेखाएं कवर करेंगे, अलग अलग प्रकार के कोण को कवर करेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे सिरसाभिमुख कोण क्या होता है, जानते हैं क्या होता है सिरसाभिमुख कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, संगत कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, समकोण, अलग अलग प्रकार के कोण, अलग अलग प्रकार की रेखाएं। ऐसे प्रश्न देखे होंगे ना, बनते हैं जनरली, ये देखिए ये कोण कितना है तो ये कोण कितना होगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। प्रॉपर्टीज लगानी है आपको, इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, समानांतर रेखाएं, और ये क्या है, प्रतिच्छेदी। तो ये एक चैप्टर डील करना है, रेखा और कोण। उसके बाद ज्योमेट्री वाले सेक्शन में दूसरा जो चैप्टर है वो है 2D आकृतियां। 2D का मतलब हो जाएगा टू डायमेंशनल, समझ आ रहा है, टू डायमेंशनल। इसमें क्या क्या आता है, त्रिभुज, हाँ इसमें त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज और वृत्त, ये तीन आकृतियां कवर करेंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, सारे प्रकार के त्रिभुज, जैसे विषम बाहु,
समबाहु समझ आ रहा है, समद्विबाहु, समकोण, सारे त्रिभुज उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूले, सारे चतुर्भुज जिसमें आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारे फॉर्मूले, सारे प्रॉपर्टीज, वृत्त में अर्ध वृत्त भी पढ़ेंगे, वृत्त के अंदर त्रिज्या खंड काटेंगे, उसका क्षेत्रफल, उसके चाप की लंबाई, मतलब 2D आकृतियां पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। 2D का मतलब 2-dimensional, जिसमें केवल दो ही डायमेंशन होते हैं, एक्स और वाई क्या कवर करेंगे। इसके बाद पूरी 3D आकृतियां भी कवर करेंगे आप, पूरी 3D आकृतियां, सिलेबस में पूरा मेंशन नहीं है लेकिन पूरा पढ़ेंगे आप। 3D आकृतियों में आपको क्या क्या कवर करना है, बेलन, शंकु, गोला, घन और घनाभ, गोला, घन और घनाभ, ये सारा कुछ कवर करेंगे आप। बेलन, शंकु, गोला, घन और घनाभ, ये सारा कुछ कवर करेंगे आप। 3D आकृतियां, 3D का मतलब जिसमें तीन डायमेंशन होंगे, एक्स, वाई और जेड। जेड किधर होता है, इधर, ये होता है क्या जेड, रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं ना, एक्चुअल में कहां आता है वो, बाहर, बाहर आता है। अब बाहर उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं, समझ आ रहा है, वो जेड एक्चुअल में कहां आता है, बाहर, लेकिन आप उसको बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बताओ कैसे ड्रॉ करूंगा ऐसा मैं, सोचू, समझ आ रहा है, उसको ड्रॉ नहीं कर सकता ना। ये देखिए, आप अगर जेड डायरेक्ट जेड डायमेंशन देखेंगे तो जेड डायमेंशन एक्चुअल में बाहर की ओर या अंदर की ओर घुसेगा, उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड में, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो ऐसे। ये नहीं कि जेड ये वाला होता है सर, बोर्ड केवल 2D है, इसमें केवल एक्स और वाई ड्रॉ कर सकते हो, जेड ड्रॉ ही नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। ये सारी आकृतियां क्या है, 3D, जैसे मैं वृत्त की बात कर रहा हूं तो वृत्त क्या है, 2D है ना। अगर मैं वृत्त की बात करता हूं तो वृत्त क्या है, 2D, ये देखिए, अगर मैं वृत्त बनाता हूं तो ये वृत्त क्या है, 2D है। 2D क्यों है, क्योंकि इसमें केवल दो ही डायमेंशन है, देखो एक्स है, देख पा रहे हो, ये क्या है एक्स डायमेंशन है और ये क्या है वाई डायमेंशन, दो ही डायमेंशन है एक्स और वाई, केवल दो ही डायमेंशन है इसमें, समझ आ रहा है। ऐसा मत बोलना कि यहां से बिंदु किए ये जेड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, समझ आ रहा है। इसमें केवल दो ही डायमेंशन है एक्स और वाई, ये देखिए इधर है और ऐसा, दो ही डायमेंशन है एक्स और वाई। आप चतुर्भुज बना लीजिए, ये देखिए चतुर्भुज बना रहा हूं, इसमें दो ही डायमेंशन एक्स है और क्या है वाई, ये देखिए ये एक्स डायमेंशन है और ये क्या है वाई डायमेंशन है, ये वाई डायमेंशन है। जेड डायमेंशन मतलब क्या, बाहर की ओर एक डायमेंशन निकलेगा, उसको बोलेंगे जेड डायमेंशन। जैसे एक्स केवल ये नहीं होता ना, एक्स ये पूरा होता है, वाई केवल ये नहीं होता, वाई ये पूरा होता है, वैसे ही जेड या तो बाहर की ओर आ जाए या अंदर की ओर घुस जाए, वो होता है जेड डायमेंशन। तो आप देखेंगे तो त्रिभुज बना लो, चतुर्भुज बना लो, वृत्त बना लो, ये सब क्या है, 2D है, दो ही डायमेंशन है। 3D क्या होता है, थोड़ा समझना, पूरा कंसेप्ट एक बार समझ में आएगा 3D का आपको। जैसे मान लो ये वृत्त है, 2D है, इसके ऊपर और वृत्त बैठाते जाओ, इमेजिन करो ये एक वृत्त है, इसमें दो ही डायमेंशन एक्स और वाई, इसके ऊपर बहुत सारे वृत्त बैठा दो, इमेजिन कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारे वृत्त बैठा दिए तो एक डायमेंशन बाहर की ओर आ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे जेड डायमेंशन, क्या बन जाएगा, बेलन। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, ऐसे स्प्रिंग को खींचे होगे बचपन में, ऐसे छोड़े होगे, वैसे खींचो इसको, ऐसे खींच दो इसको पकड़ के, एक्सपैंड करो इसको, क्या बन गया, बेलन बन गया। और वो जेड डायमेंशन कौन सा है, जो बाहर की ओर निकला है ना, देखो बोर्ड से बाहर की ओर जो निकला है उसी डायमेंशन को क्या बोल रहा हूं, जेड डायमेंशन। तीसरा आ गया ना डायमेंशन बाहर की ओर, उसी को जेड डायमेंशन बोलते हैं। तो फॉर्मूले को समझ के पढ़ेंगे आप, इमेजिन करो बहुत सारे इसके ऊपर बैठा दिए वृत्त, बहुत सारे जब वृत्त बैठा दिए तो एक डायमेंशन बाहर की ओर निकल के आएगा, उसी एक डायमेंशन को आप क्या बोलेंगे, जेड डायमेंशन। ये देखिए जो एक्सटेंड करने की बात कर रहा हूं ना, वो कौन सा है, ये देखिए, अगर आप बेलन को ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से, अगर आप बेलन को ऐसा ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, वृत्त दिखाई देगा ना। अरे ड्रम देखे हो, ड्रम इसमें पानी भरा होता है, वो क्या है, बेलन ही तो है ना। ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, कि पानी, वृत्त है ना, सॉलिड है, मान लो सॉलिड है, सॉलिड मतलब ठोस, पूरा भरा हुआ अंदर से मटेरियल से, ऊपर से क्या दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा, टॉप व्यू देखेंगे तो वृत्त दिखाई देगा। एक्सटेंड जो करने की बात कर रहा था, देखिए ये वाला एक्सटेंड, ये देखिए देख पा रहे हैं, अब अंदर की ओर एक्सटेंड हो या फिर बाहर की ओर एक्सटेंड हो, क्या बन गया, ये बेलन बन गया। वही तो समझा रहा था, एक वृत्त है, इमेजिन करो, ये देखो एक वृत्त है, इमेजिन करो, इमेजिन थोड़ा सा करो, एक वृत्त है, ये 2D है, ये इसको एक्सटेंड करो, देखो इसको एक्सटेंड कर दिया, एक और डायमेंशन आ गया ना,
ये क्या बन गया आपका जेड डायमेंशन, बेलन बन गया ये। अब ये अंदर जितना स्पेस है जिसमें पानी रहता है ड्रम में, वही क्या है आयतन, समझ आ रहा। और ड्रम में जहां पेंट मारते वो क्या है उसका वक्र पृष्ठ। पेंट कहां मारते हो ये तो बता है ना, अंदर में कि बाहर में। जहां पेंट मारते हो ये देखो, यही पेंट मारोगे ना ड्रम में, यहां यही क्या है इसका वक्र पृष्ठ। ये देखिए जो वक्र के जैसा पृष्ठ है ये पूरा क्या है उसका वक्र पृष्ठ। संपूर्ण बोलूंगा तो ये भी पृष्ठ आ जाएगा और ये भी पृष्ठ उसमें आ जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे अपन समझ के पूरा। तो 3D को समझना है, ऐसा नहीं कि रटने बैठ गए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल मतलब जितना स्पेस ये ले रहा है, देखिए ये क्या है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये पाई आर स्क्वायर। इसको एक्सटेंड किया तो क्या बन गया बेलन। अब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, h हाइट तक उसको एक्सटेंड करोगे आप, समझ आ रहा है। पाई आर स्क्वायर ये है, ये पाई आर स्क्वायर है, इसको एक्सटेंड किए अंदर में जो स्पेस बन रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो अंदर में जो स्पेस है वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा बेलन का आयतन। ऐसे पढ़ेंगे अपन। तो 3D आकृतियां सारी कवर करनी है, रेखा कोण 1D हो जाएगा। रेखा मतलब क्या 1D, एक ही डायमेंशन है। रेखा मतलब क्या ये देखिए ऐसा 1D एक ही डायमेंशन है। 2D मतलब दो डायमेंशन हो जाएंगे, 3D मतलब तीन डायमेंशन हो जाएंगे। तो पूरा रेखा कोण कवर करना है, पूरा 2D और पूरा 3D। इसके अलावा त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता उसको भी देखेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता पूरा देखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे। पूरा ज्योमेट्री का सेक्शन कवर हो जाएगा आपका, समझ आ रहा है। ये सहायक शिक्षक शिक्षक दोनों के लिए मोर देन सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरा 1D मतलब रेखा कोण, पूरा 2D त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त, पूरा 3D मतलब बेलन गोला शंकु घन घनाभ, पूरा त्रिभुजों का सर्वांग समता समरूपता, और लास्ट में बचेगा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स त्रिभुज को लेकर और वृत्त को लेकर। इतना कवर करना है आपको, ये सहायक शिक्षक का मैथ है। वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो सिलेबस ठीक है। ये देखिए ये पेडागोजी वाला सेक्शन था, इसके बाद ये सेक्शन देख सकते हैं। जनरली जो व्यापम में रहता है वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। ये सारे मैथ पढ़ना है आपको, यहाँ तक है। ये है आपका सहायक शिक्षक का, इसको छोड़ दीजिए। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सब पढ़ेंगे अपन। मैंने ये ज्योमेट्री वाले सेक्शन को अलग से लिख के बता दिया कि रेखा कोण ये पढ़ना है, पूरा 2D पढ़ना है, पूरा 3D त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये सहायक शिक्षक का 30 नंबर हो गया। शिक्षक का अगर देखा जाए गणित, शिक्षक का गणित जो 30 नंबर का है ये अगर देखेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा है। अब इस 30 में 15 का गणित पूछेगा और 15 का विज्ञान पूछेगा, साइंस पूछेगा। तो 15 नंबर का जो गणित है इसका वेटेज आप देखेंगे तो 15 नंबर है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा, इतना सिलेबस है कि कभी खत्म ही नहीं हो पा रहा है। ये तो पहला वही है पेडागोजी, वहां पे इकाई एक और दो जो था उसको मर्ज करके इसने क्या बना दिया, इकाई एक, एक और दो था उसको मर्ज करके बना दिया इकाई एक। ये पूरा गणित का पेडागोजी है। इसके बाद देखना बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। घातांक करनी इसमें एक्स्ट्रा आ गया, देखिए घातांक के सारे नियम कवर करने हैं। ये देखिए श्रेणियां एक्स्ट्रा आ गया, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी भी कवर करना है इसमें आपको। देख सकते हैं समीकरण, रैखिक समीकरण, एक घात वाले दो घात वाले कवर करना है इसमें, एक्स्ट्रा आ गया है सब। गुणनखंड ये देखिए इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। ये सारी चीजें आप देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, बाकी वही सब है। उसमें साधारण ब्याज था, इसमें साधारण ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज भी है। अनुपात समानुपात तो वहां पे भी था यहाँ पे भी है। प्रतिशत लाभ हानि वहां पे भी था यहाँ पे भी है। समय दूरी वहां पे भी था यहाँ पे भी है। समझ आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। देखिए मैंने बात की थी रेखा कोण की, ये देखिए आ गया। ये देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता भी है, सब कुछ है। देखिए यहाँ पे घन घनाभ भी है, बेलन भी है, सब कुछ है। तो ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री का सेक्शन है जो मैंने एकदम सरल शब्दों में आपको समझा दिया। खत्म नहीं हुआ, देखिए और भी है, देखिए और भी है। देखिए पूरा का पूरा DI भी कवर करना है, समझ आ रहा है। DI मतलब आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें क्या क्या कवर करना है आपको, पाई चार्ट कवर करना है। दंड आलेख मतलब क्या होता है, बार ग्राफ। लेखा चित्र मतलब हो जाएगा लाइन ग्राफ। और सारणियन का मतलब हो जाएगा टेबुलेशन। आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। आंकड़ों को पाई चार्ट के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए,
पाई चार्ट मतलब वृत्त के सेक्टर कट करके डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे आप। दंडालेख मतलब बार ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस पे ऐसे बार ग्राफ बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। लेखा चित्र मतलब लाइन ग्राफ, ऐसे लाइन ग्राफ बनाकर डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सारणियन मतलब टेबुलेशन, ऐसे टेबल बनाकर डेटा को आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, समझ पा रहे हैं बात को। इसके अलावा माध्यिका को भी पढ़ना है, आप देखेंगे तो ये देखिए बारंबारता बंटन सारणी भी है। माध्य माध्यिका बहुलक याद आ रहा है, नाइन्थ टेंथ में पढ़े होंगे आप, मीन मीडियन मॉड, वहां पे पढ़ते थे बारंबारता बंटन सारणी, उसको भी कवर करना है। ये शिक्षक का गणित है, तो शिक्षक का गणित अगर आप पढ़ दिए हो तो व्यापम का कोई भी एग्जाम का गणित आपका कवर हो गया है। अगर आपने शिक्षक का मैथ पढ़ लिया है तो व्यापम का कोई भी एग्जाम अगर दोगे उसका मैथ आपका ऑलरेडी कवर रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। डीआई जनरली व्यापम नहीं पूछता है, यहाँ पे डीआई आ गया है पूरा पूरा। ये बारंबारता बंटन सारणी जनरली व्यापम नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पे आ गया है। ज्योमेट्री वाला पूरा सेक्शन कुछ नहीं छूटा है, सारा कुछ है, रेखा कोण, 2D 3D सर्वांग समता थ्योरम सब कुछ है इसमें। प्रतिशत है, लाभ हानि है, अनुपात समानुपात है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय दूरी है, समय कार्य है, सब कुछ है, कुछ नहीं छूटा है। बेसिक चैप्टर्स भी पूरे कवर करने हैं, उसके अलावा श्रेणियां भी कवर करनी है आपको, तो कुछ भी नहीं छूटा है। तो सहायक शिक्षक से ज्यादा गणित आपको शिक्षक में कवर करना है, समझ आ रहा है। पूरा मैथ पढ़ेंगे, देखिए पूरा मैथ कवर करेंगे, जितना मैथ्स है पूरे को कवर करेंगे, वो आपके दोनों में काम आएगा, सहायक शिक्षक में भी और शिक्षक में भी। व्यापम का जनरली होता क्या है, गणित लिख दिया है तो वो गणित से कहीं से भी प्रश्न उठा लेता है, सिलेबस में वो चैप्टर मेंशन हो या ना हो उसका मतलब नहीं होता, वो कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। इसीलिए पूरा गणित आपका डील कराऊंगा मैं एकदम बेसिक से, 2.5-3 महीना लगेगा लगभग मैथ को खत्म होने में, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। लेकिन एक बार अच्छी से नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी ही, आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग से मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे जाके आप अगर देंगे, हॉस्टल वार्डन RI पटवारी भी देते हैं, तो आपको अलग से गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट्स आप सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बुक वगैरह पढ़ेंगे तो आप ले लीजिए, नहीं पढ़ना है तो भी काम चल जाएगा, नोट्स और प्रैक्टिस शीट केवल इतना काम करना है आपको। ये पूरा सिलेबस है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। बताइए किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सिलेबस को लेकर या फिर कुछ और। रीजनिंग तो है नहीं इसमें, सब्जेक्ट वाइज कहाँ होता है वो शिक्षक का। सीजी टेट से पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका सीजी टेट में जो कॉमन विषय वो पूरे करा दे आपको, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में जो कॉमन विषय है वो पूरे करा दे। अगर आप सीजी टेट का सिलेबस देखेंगे तो सहायक शिक्षक मतलब जो क्लास 1 से क्लास 5 तक का जो पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस क्या है, 30 आपका CDP, 30 हिंदी, 30 अंग्रेजी, 30 गणित और 30 पर्यावरण, 150 खत्म हो गया ये। उसमें 30 का CDP चल ही रहा है आपका और 30 का गणित आपसे आज से चलेगा ही। वो आप देखिए ना, सहायक शिक्षक वाला जो है क्लास 1 से क्लास 5 तक का जो पात्रता परीक्षा है, पेपर 1 जो होता है उसका, सीजी टेट का जो पेपर 1 होगा उसमें 30 प्रश्न आएगा CDP का, 30 आएगा हिंदी, 30 अंग्रेजी, 30 गणित और 30 पर्यावरण। शिक्षक का जो मतलब क्लास 6 से क्लास 8 तक का जो पात्रता परीक्षा होगा उसका 30 आएगा आपका CDP, 30 हिंदी, 30 अंग्रेजी और 60 में रहेगा GS या फिर गणित और विज्ञान, आप अपने विषय के हिसाब से चूज करेंगे वहां पे, ऐसा ही होता है ना। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो सीजी टेट में कॉमन चीजें हैं, सीजी टेट में जो कॉमन चीजें हैं शिक्षक के साथ में, मतलब सीजी टेट का संपूर्ण सिलेबस आपका उसके एग्जाम से पहले हो जाए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आप सीजी टेट अगर नहीं निकाले हो तो भी निकल जाए आपसे। कितने लोग नहीं निकाले हैं, जिनको निकालना है, जो इस पे आश्रित हैं अभी तक है, अभी सीजी टेट भी चल जाएगा निकला होगा तो ये निकालना ही पड़ेगा, ये निकल जाएगा, इसमें क्या ही है यार। जनरल को कितना चाहिए, 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी को 75 नंबर चाहिए, 150 में 75, और क्या पता 100 का ही पूछ ले क्या पता है,
डिराइव ऐसा कुछ सिलेबस डिस्क्राइब किया है कभी? इसका नहीं किया है क्या? अच्छा, ये ऑफिशियल डेट आया क्या इसका? आ गया डेट ऑफिशियल, उसकी साइट से आ गया? और उसकी साइट में आया है कि नहीं आया है? उसकी साइट में कहाँ आया अभी तक? न्यूज़पेपर में आ गया है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं आया अभी तक मेरे ख्याल से। बीच में हल्ला हुआ था 21 जुलाई वाला, पेपर में भी आ गया है 21 जुलाई, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट अभी मेरे ख्याल से नहीं आया है। उसी के आसपास होगा वैसे। चलो देखते हैं, सेट का तो आया है कल ना, उसका सिलेबस देखेंगे तो 50 आपका एक अलग से होता है, 100 का एक अलग से होता है। उसमें 50 का एक पेपर ही अलग देना पड़ता है आपको, 100 का एक पेपर आपको अलग देना पड़ता है। तो उसके आधार पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है टेट में, क्या होने वाला है। अगर टेट 150 का लिया तो मान के चलिए शिक्षक भर्ती को भी 150 का ले लेगा। फिर टेट अगर 150 का लेगा तो फिर उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि शिक्षक भर्ती को भी 150 का ले सकता है। तो टेट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी तक जारी ऑफिशियल नहीं किया यार, ऑफिशियल अगर जारी होता तो सिलेबस भी जारी करता ना वो, ऑफिशियल अभी जारी नहीं हुआ है। तैयारी करते रहिए भाई, आपका काम तैयारी करना है। यही सब रहेगा, कुछ अलग तो रहेगा नहीं। बताइए नेट सेट में देखिए, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना ये सारे एग्जाम में है ना, सेट में आप देखेंगे तो पहले में है, सब मिला जुला के आता है। जितना पढ़ाऊंगा ना मैथ्स में, इससे बाहर कुछ नहीं मैथ्स का, इससे बाहर कुछ नहीं। 3-1 महीना लगेगा मेरे को पूरा खत्म करने में। सैटरडे संडे का प्लान इसी बार से हो सकता है। ज्योमेट्री का क्लास अलग से लगाता हूँ मैं सैटरडे संडे को, थोड़ा सा आप लोग को कॉपरेट करना पड़ेगा। संडे वगैरह को भी बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। जनरली सैटरडे संडे को 3-3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ मैं ज्योमेट्री का, क्योंकि ज्योमेट्री का लगभग 20 घंटा लगता है पढ़ाने में मेरे को, 20 घंटा। ज्योमेट्री का क्लास सैटरडे संडे अलग से प्लान करता हूँ मैं कि 3 घंटा आप आइए सैटरडे संडे को और बैठ के ज्योमेट्री पढ़िए, क्योंकि ज्योमेट्री क्लास में कराऊंगा तो 1 महीना ज्योमेट्री में लग जाएगा मेरे को, और ज्योमेट्री के बिना पूरा क्वेश्चन बन भी नहीं पाएगा। हॉस्टल वार्डन में देखिए 16 में 20 में से 8 प्रश्न पूछा था ज्योमेट्री वाले सेक्शन से। आप शिक्षक भर्ती को उठा लीजिए, वहां भी प्रश्न आता है। तो 3 महीना लगभग लगेगा मेरे को टोटल, 2.5 से 3 महीना पूरा मैथ हो जाएगा। अब जितना मैथ पढ़ेंगे आप यहाँ, उससे बाहर व्यापम का पीएससी का कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आप शिक्षक का जो मैथ देख रहे हो इतना मैथ किसी एग्जाम में नहीं है, ना व्यापम में ना पीएससी में, इतना मैथ कहीं नहीं है जितना शिक्षक में लिखा है उसमें। तो सब कुछ कवर हो जाएगा। साइंस का चलेगा क्लास, सारा सिलेबस होगा, लेकिन फिलहाल अभी 2 क्लासेस चल रही हैं आपकी, एक सीडीपी की और एक मैथ्स की। आगे चलकर शेड्यूल मिलते रहेगा आपको, हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, सारे विषय होंगे। चलिए पहला चैप्टर लिखिए संख्या। देखिए संख्या पढ़ेंगे, संख्या पे प्रश्न करेंगे, उसके बाद वी बॉड मास में आएंगे अपन। संख्या पढ़ेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे, इन पे जो प्रश्न बन चुके हैं उन प्रश्नों को देखेंगे, इतना करने के बाद अपन आएंगे वी बॉड मास रूल पे। वी बॉड मास रूल कहने का मतलब बेसिक कैलकुलेशन हर प्रकार का सीखेंगे आप, बेसिक कैलकुलेशन पूरा हर प्रकार का सीखेंगे आप। शुरुआत में ये टारगेट रहेगा आपका, शुरुआत में टारगेट रहेगा संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, उन पे जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को डील करेंगे। उसके बाद इतना होने के बाद बेसिक कैलकुलेशन पूरा सीखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में वी बॉड मास रूल जो होता है इसके आधारित सारे प्रश्नों को डील करेंगे, सारे प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को डील करेंगे अपन। तो बहुत कुछ बात है, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, समझ गया। मेनली 2 संख्याएं कवर करनी है आपके सिलेबस में, परिमेय और अपरिमेय।
इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, वो सब तो है नहीं आपके सिलेबस में। मेनली आपको दो संख्याएं कवर करनी है, एक है परिमेय जिसको बोलते हैं रैशनल, और दूसरी है अपरिमेय जिसको बोलते हैं इरैशनल। क्या होता है परिमेय और अपरिमेय, चलिए थोड़ा बातचीत करते हैं, बताइए। पर और अपरिमेय किसको बोलते हैं, अपरिमेय की परिभाषा क्या है? सिंपल सी बात, जिसको p बटे q के रूप में लिख पाओ वो परिमेय, जिसको p बटे q के रूप में ना लिख पाओ वो अपरिमेय। एकदम सिंपल सी परिभाषा, समझ आ रहा है? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q परिमेय, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q अपरिमेय। समझ आ रहा है? अब किसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते आप? रूट टू को नहीं लिख सकते p बटे q के रूप में, क्यों नहीं लिख सकते? तो पाई क्या है आपके हिसाब से? हाँ, तो फिर क्यों कर रहे हो आप? बहुत कुछ बातें हैं, देखो बहुत कुछ बातें सीखेंगे। जनरली आप क्या पढ़े हो जिनको p बटे q के रूप में, एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, पूरा लिखवाऊंगा कि करके मैं भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नॉलेज थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जिनको आप p बटे q के रूप में लिख पाओ वो परिमेय, जिनको आप p बटे q के रूप में आप ना लिख पाओ वो अपरिमेय। यही तो बोल रहे हो आप, जिनको p बटे q के रूप में आप लिख पाओ वो परिमेय, जिनको p बटे q के रूप में आप ना लिख पाओ वो अपरिमेय। यही तो है। और दो ही संख्याएं आपके सिलेबस में अभी लिखवाऊंगा मैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ और है ही नहीं। आप बुक खोलना मैथ्स की, आर एस अग्रवाल खोल लेना, एस डी यादव खोल लेना, या फिर आपके सिलेबस में जो संख्याएं आपके सामने आएंगी या तो वो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय, इसके अलावा कोई और संख्या होगी नहीं। मतलब कोई भी संख्या आपके कॉपी में लिखी होगी या तो वो परिमेय या तो वो अपरिमेय। अब जिसको p बटे q के रूप में आप लिख पाओगे वो परिमेय, और जिसको p बटे q के रूप में आप नहीं लिख पाओगे वो अपरिमेय। समझ आ रहा है? अब अपरिमेय के अंतर्गत जनरली आप क्या पढ़ते हैं, वर्गमूल के रूप में जिनको लिखा जाता है वे संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय। यही तो पढ़ते हैं आप। रूट टू क्या है? अपरिमेय। रूट थ्री क्या है? अपरिमेय। रूट फाइव क्या है? अपरिमेय। क्यों बोलते हैं इनको अपरिमेय? क्योंकि इनको p बटे q के रूप में आप लिख ही नहीं सकते। ये सब बातें सीखनी है आपको। अब क्यों नहीं लिख सकते? तो रूट टू का वैल्यू आप देखेंगे तो क्या होता है, 1.414213 चलते रहेगा। समझ आ रहा? कभी खत्म ही नहीं होगा, बिना रिपीटेशन के खत्म नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए क्या है ये अपरिमेय। p बटे q के रूप में आप इसको लिख ही नहीं सकते। समझाऊंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, समझना है। बचपन से पढ़ते आए हैं कि जिनको वर्गमूल के रूप में सामान्यतः लिखा जाता है वही क्या है, अपरिमेय है। तो क्यों इनको p बटे q के रूप में आप नहीं लिख सकते, कारण क्या है? क्यों वर्गमूल दो अपरिमेय है? क्यों वर्गमूल तीन अपरिमेय है? क्यों वर्गमूल पांच, वर्गमूल छह, ये सब अपरिमेय है? क्यों मैं इनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकता, कारण क्या है इसका? बुक में देखेंगे तो पाई को क्या बोलता है, वो अपरिमेय। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान क्या है, 22/7। अगर मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख पा रहा हूं तो अपरिमेय क्यों है फिर वो? समझ आ रहा है? अगर आप पाई का मान बचपन से 22/7 पढ़ते आ रहे हो कि पाई का वैल्यू 22/7 बचपन से ही तो रटे हो ना यार, तो जब पाई को पी बटे क्यू के रूप में आप लिख पा रहे हो तो फिर अपरिमेय क्यों बोल रहे हो इसको? आप बुक में देखेंगे तो पाई को क्या लिखता है, अपरिमेय, और आप बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे होगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं बोल रहा पी बटे क्यू के रूप में जिसको भी लिख पाओगे वो परिमेय होगा, गारंटी है, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं कि जिसको भी पी बटे क्यू के रूप में आप लिख पाओगे वो क्या होगा, परिमेय ही होगा। तो फिर क्यों पाई को अपरिमेय संख्या बुक में लिखता है, और पाई है अपरिमेय संख्या लेकिन क्यों लिखता है? तो पहली बात तो पी का मान 22/7 होता ही नहीं है, पाई का मान 22/7 पहली बात तो होता ही नहीं है। समझ आ रहा है? पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, 3.14159 चलते रहेगा। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, जबकि 22/7 का आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो क्या होता है, 3.14285714285714285 ये होता है 22/7 का वैल्यू।
तो पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे बचपन से तो 22/7 पढ़ते आ रहे हैं, तो गलत पढ़ते आ रहे हैं। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। समझाऊंगा, यही सब कहानियां हैं जो आपको सीखनी है, जो थोड़ा मोड़ा जो करेक्शन है आपके नॉलेज में वो करना है आपको। कहां से आया ये पाई, क्यों इसका वैल्यू ये होता है, ये भी समझाऊंगा। इसी के आधार पे तो आप देखेंगे नेट में सर्च करके, इसी के आधार पे आप देखेंगे तो हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। 3.14 से क्या उठाया गया है? 14 मार्च। 159 से क्या उठाया गया है? 1:59। ऐसा उठाया गया है, देखना आप नेट में मिलेगा आपको। हर साल पाई दिवस मनाते हैं 14 मार्च को 1:59 पर। ये जो पाई दिवस का डेट और टाइम उठाया गया है, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू से उठाया गया है, 22/7 से नहीं उठाया गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई का क्या लेते आए हो बचपन से, 22/7। आप लोगों को, मुझे भी स्कूल में ऐसा नहीं बताया गया कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। समझ आ रहा है? पाई का जो वैल्यू 22/7 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप खुद सोचो ना, पाई का वैल्यू 22/7 होता तो पी बटे क्यू के रूप में होता, तो पाई को क्या बोलते आप परिमेय? समझ आ रहा है? बहुत सारी बातें आएंगी, ये होने पर अपरिमेय क्यों है, ये भी तो एक मन में प्रश्न आ रहा होगा। रूट टू का वैल्यू ये होता है तो अपरिमेय क्यों बोल रहे हो? अपरिमेय का मतलब तो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता मैं, तो क्या मैं इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता? बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे आपके दिमाग में, ये सारी बातों को समझाऊंगा मैं। बहुत सारा करेक्शन करना है, आपने जो बचपन से पढ़ा है उसमें बहुत सारा नया भी आपको ऐड करना है, कुछ नए करेक्शन भी करने हैं। इससे पहले अगर आपने कहीं कोचिंग क्लास भी की है, कहीं भी की है कोचिंग क्लास, उसमें भी कुछ करेक्शन करने होंगे आपको, उसमें भी अपडेट करना होगा आपको। बहुत कुछ सीखेंगे आप यहाँ पे, बहुत कुछ सीखेंगे तो बहुत कुछ नया ऐड कराऊंगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा। परिमेय अपरिमेय को लेकर हमेशा डाउट आता है। 2.5 क्या है, परिमेय की अपरिमेय? 2.5 क्या है, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय क्यों है? क्योंकि इसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूं, लिख दिया मैं। 2.5 को 25/10 लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा चलो, 25/10 नहीं लिख सकता, 5/2 तो लिख सकता हूं ना। 5/2, 5 का आधा ढाई होता है, समझ आ रहा है? इसीलिए क्या है, ये परिमेय है, क्योंकि p बटे q के रूप में लिख पा रहा हूं। ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद चलती रहेंगी बिना रिपीटेशन के चलती रहेंगी, इनको मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकता। ये सब समझाऊंगा मैं आगे चलते। दशमलव के बाद चलते रहेंगी कभी खत्म ही नहीं होंगी, चलते रहेंगी, इनको मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकता, समझाऊंगा। इसी कारण इनको क्या बोल रहे हैं आप, अपरिमेय बोल रहे हैं। परिमेय और अपरिमेय की सिंपल सी परिभाषा, जिसको p बटे q के रूप में लिख पाओ कैसे भी करके वो परिमेय, जिसको p बटे q के रूप में ना लिख पाओ वो क्या है, अपरिमेय। तो इनको p बटे q के रूप में आप नहीं लिख सकते। रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, आज से ध्यान रखिएगा। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है। कहां से आया पाई, क्या होता है पाई, कहां से आया है ये पाई, कभी सोचे हैं कैसे निकला है पाई? पाई बचपन से पढ़ते आ रहे, पाई आर स्क्वायर, 2πr, पाई आर स्क्वायर है, कि पाई है क्या, कहां से आया है, समझ आ रहा है? तो सीखेंगे, सारी बातें सिखा दूंगा मैं, संख्या में सारा कुछ कवर हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या लिखूंगा, ये देखिए 2.3 का बार, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? परिमेय है, इसको p बटे q के रूप में लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होता है, 2.33333 कभी खत्म ही नहीं होगा, यही तो मतलब होता है। जिसके ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब क्या, रिपीटेशन। 0.3 का बार, 0.3 के बार को आप क्या लिखते हैं, 0.3333 कभी खत्म ही नहीं होगा। दशमलव के बाद जो कभी खत्म ही नहीं होता है, ये देखिए रिपीटेशन के साथ चलते रहता है, इनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं। बहुत कुछ जानना है, p बटे क्यू के रूप में लिखे होंगे इसको, कहीं पढ़े होंगे, तो क्या लिखते हैं इसको, 3/9 लिखते हैं ना, 3/9 मतलब 1/3। इसको क्या लिखेंगे, 23 में 2 गया 21, 21/9 मतलब 7/3, ऐसे कुछ सीखे होंगे। नहीं आता है तो भी चिंता मत करना भाई, ऐसा नहीं कि मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। नहीं आता है तो भी चिंता मत करो, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको,
आप देखना एक दो लेक्चर होने के बाद कोई भी संख्या मैं लिखूंगा आपके सामने तो आप जान जाओगे वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय या अपरिमेय। 99% संख्याएं क्या है? परिमेय। 99% संख्याएं आपके सिलेबस में जो आएंगी वो क्या होंगी? परिमेय होंगी। 1% मुश्किल से अपरिमेय होंगी। तो कोई भी संख्या लिखूंगा तो आप समझ जाओगे परिमेय है कि अपरिमेय, और परिमेय है तो क्यों है, अपरिमेय है तो क्यों है, ये आपको समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा? तो जानने को बहुत सारी चीजें हैं। वी बॉड मास रूल पढ़ेंगे तो जो बेसिक चीजें हैं वो गड़बड़ होती हैं वो सीखेंगे। का मतलब क्या होता है इसको जानेंगे, हिंदी में का, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऑफ, इसको गुणा के जैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन खास बात क्या है, भाग से पहले इसकी बारी आती है, इसकी बारी भाग से पहले आती है। मतलब भाग और का में पहले किसको सॉल्व करना है? का को। जबकि भाग और गुणा में पहले किसको करेंगे? भाग को। बेसिक बातें सीखनी है। वी बॉड मास से दो दो प्रश्न पूछा भी है, अगर आप वी बॉड मास देखेंगे तो दो प्रश्न पूछा है वी बॉड मास से। सहायक शिक्षक का पेपर उठा के देखिए, दो प्रश्न पूछा है वी बॉड मास से। तो क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है और कहीं ना कहीं जानकारी आपकी बढ़ेगी। अगर आपने पहले क्लास किया है, जानकारी है आपको, तो जानकारी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। कुछ करेक्शन भी करेंगे जो जानकारी आपने इकट्ठी की है। चलिए कुछ लिख लीजिए, 5 मिनट और। सबसे पहले संख्या की परिभाषा को लिखिए, संख्या की परिभाषा को लिखिए, संख्या की परिभाषा। ध्यान रखिएगा नोट्स प्रॉपर बनाएंगे भाई, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो महीना दो महीना बाद रिवीजन करने को कुछ नहीं होगा आपके पास। नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। लिखेंगे संख्या, लिखिए संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, गणितीय वस्तुएं का मतलब मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एक्सेट्रा। देखिए मापने और गिनने में अंतर होता है कि नहीं होता है? मापने का मतलब क्या बताओ तो, मेजरमेंट मतलब क्या, एग्जांपल बताओ। हाँ, दूध की मात्रा नाप रहे हो, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, ये क्या है? मापना। मैं अपनी हाइट को माप रहा हूं तो क्या है ये? मापना। मैं अपने वेट को माप रहा हूं तो क्या है ये? मापना। मैं रायपुर और बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस को माप रहा हूं तो क्या है ये? मापना। ये हो जाएगा मापना। और गिनने का मतलब क्या? जैसे चेयर्स को काउंट कर रहा हूं मैं, आप लोगों की संख्या को काउंट कर रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा? काउंट करना, गिनना, 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? काउंटिंग, गिनना। और मापने का मतलब हाइट को मापना, वेट को मापना, क्वांटिटी, दूध की मात्रा, चावल की मात्रा, ये सब क्या है? मापना। एक यहां पर खास बात क्या आती है समझ में आ रहा है? देखो ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये देखिए, ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं जैसे 2.5, 5.46, 6.28, दशमलव वाली कोई भी संख्या में लिखूंगा तो ये दशमलव वाली संख्याएं मापने में तो यूज हो जाएंगी लेकिन गिनने में यूज नहीं हो पाएंगी। जैसे मापूंगा तो 6.2 kg होता है ना, 6.2 किलोमीटर होता है ना, 6.2 लीटर होता है ना, 2.5 kg होता है। तो मापने में दशमलव वाली संख्याएं यूज हो जाएंगी लेकिन गिनने में दशमलव वाली संख्याएं यूज नहीं हो पाएंगी। आप चेयर्स को काउंट करेंगे तो ऐसा बोलेंगे क्या 2.5 चेयर्स है? नहीं बोलेंगे। 2.5 लड़के हैं, 2.5 लड़कियां हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो काउंटिंग में कभी भी दशमलव वाली संख्याएं यूज नहीं होंगी जबकि मापने में हो जाएंगी। काउंटिंग में केवल क्या यूज होंगी? ये संख्याएं केवल काउंटिंग में यूज होंगी, ये संख्याएं काउंटिंग के साथ साथ मापने में भी यूज हो जाएंगी। तो मापने में ऐसी संख्याएं भी आप यूज कर सकते हैं
ऐसी संख्याएं भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन गिनने में केवल और केवल यही संख्याएं यूज होती है। आप खुद सोचो 2.5 विद्यार्थी, 3.6 लड़के, 3.6 लड़कियां, ऐसा कभी बोले ही नहीं आज तक। 2.5 चेयर रखी हुई है, ऐसा कभी नहीं बोले हो। तो ऐसी संख्याएं कभी भी गिनने में यूज नहीं हो पाएंगी, लेकिन मापने में हो जाएंगी। मापने में बोलते हैं ना 2.5 केजी, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो शक्कर, ऐसा बोलते हैं आप। 3.5 किलो चावल, 3.5 किलो शक्कर, ऐसा बोलते हैं आप। तो संख्या की परिभाषा क्या बन रही है? संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मेन जो मुद्दे की बात है वो है संख्या का क्लासिफिकेशन। लिख लो, बाकी कल बात करेंगे। संख्या का क्लासिफिकेशन, तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मुख्यतः एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, एक दोनों का मिला जुला रूप होता है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रही थी वो सम्मिश्र संख्या। इन दोनों का मिला जुला रूप होता है वो, समझ आ रहा है? इन दोनों का मिलाकर एक रूप बनता है जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। लेकिन एक बात समझो, काल्पनिक संख्या ही आपके सिलेबस में नहीं है। इवन CGPSC का कोई भी एग्जाम उठा लो, CG व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लो, कहीं पे काल्पनिक संख्या नहीं है। समझ आ रहा? कहीं पे काल्पनिक संख्या नहीं है, केवल आपके सिलेबस में क्या है? वास्तविक संख्या। तो जब काल्पनिक संख्या ही नहीं है तो फिर सम्मिश्र संख्या बताने का मतलब ही नहीं है। दोनों का मिला जुला रूप बताने का क्या मतलब? एक होता है सम्मिश्र संख्या जिसमें वास्तविक भी रहता है और काल्पनिक भी, दोनों मिल के रहते हैं। तो काल्पनिक ही आपके सिलेबस में नहीं है तो सम्मिश्र को जान के कोई मतलब ही नहीं है। तो संख्या मुख्यतः दो प्रकार की, एक वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। वास्तविक मतलब रियल, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। काल्पनिक के बारे में इतना जान लो बस, जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई यूज ना हो। सामान्य जीवन में, सामान्य जीवन मतलब मेजरमेंट में, काउंटिंग में, जो सामान्य जीवन में अपन उपयोग ना करें, उसी संख्या को क्या बोलेंगे अपन? काल्पनिक। कैसे पहचानेंगे? तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या होती है, ये देखिए, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या होती है, इन्हीं संख्याओं को आप क्या नाम देते हैं? काल्पनिक। बता दे रहा हूं ताकि पहचान पाए आप, सिलेबस में आपके नहीं है। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होती हैं, इन्हीं संख्याओं को आप नाम देते हैं काल्पनिक संख्या का। वर्गमूल -2, वर्गमूल -3, वर्गमूल -4, ये संख्याएं क्या है? काल्पनिक। सामान्य जीवन में इन संख्याओं का कोई यूज नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां आई का मान होता है वर्गमूल -1। बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस में नहीं है तो केवल आप इतना ध्यान रखिए, जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं रहेंगी, उन्हीं को क्या बोलेंगे? काल्पनिक। समझ आ रहा है? काल्पनिक को छोड़कर जो संख्या बची, जो आपके सिलेबस में है, वो क्या कहलाएगी? वास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसी की बात कर रहा था मैं। देखो, आपके सिलेबस में काल्पनिक है क्या? नहीं है। केवल क्या है? वास्तविक। और वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कहने का मतलब, या तो आपके सिलेबस में जो संख्या आएगी वो क्या होगी? परिमेय, या तो क्या होगी? अपरिमेय। यही बोल रहा था मैं, समझ आ रहा? आपके सिलेबस में जो संख्या आएगी वो या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय, इसी की बात कर रहा था मैं। क्योंकि काल्पनिक तो है नहीं सिलेबस में, केवल वास्तविक है। वास्तविक दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। तो आपके सिलेबस में कोई भी संख्या आई तो वो वास्तविक है। अब वास्तविक या तो परिमेय होती है या तो अपरिमेय। समझ आ रहा है? परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो तीन प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, केवल क्लासिफिकेशन को लिख लीजिए। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, और तीसरी होती है पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर,
होल नंबर एंड इंटीजर्स, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर और इसको बोलते हैं इंटीजर्स। समझ आ रहा है? परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। पढ़ाऊंगा कल पूरा डिटेल में, इनके क्वेश्चंस भी कराऊंगा कल, स्टेटमेंट वाले अच्छे प्रश्न कराऊंगा ताकि आपकी जानकारी और बढ़े संख्या के बारे में। फिलहाल केवल क्लासिफिकेशन में लिख रहा हूं। इसके आगे देखेंगे तो प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या, और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर और इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर, सम प्राकृत और विषम प्राकृत। पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती है, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरी होती है शून्य पूर्णांक और तीसरी होती है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, शून्य पूर्णांक मतलब जीरो इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। ये संख्या का क्लासिफिकेशन है। एक एक करके सारी संख्याओं को कल लिखवाऊंगा, इन पे प्रश्न भी कराऊंगा। और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि संख्या से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, बिना संख्या के आगे दिक्कत होगी आपको। औसत का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आएगा प्रश्न, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ये है। तो वहां पे बिना संख्या के काम ही नहीं चलेगा। गणित का जो शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, पेडागॉजी, वहां पे संख्या के बिना काम ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल बार बार संख्याओं का लेना पड़ेगा, वहां पे दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे, दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इनके एग्जाम्पल्स बार बार वहां पे लेने पड़ेंगे आपको। तो बिना संख्या के मैथ्स कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। मैथ्स में तो संख्या की आवश्यकता हर जगह पर पड़ेगी। तो फिलहाल आपने संख्या की परिभाषा को समझा। संख्या की परिभाषा के बाद संख्या दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपने थोड़ा जानकारी रखी है इसकी, जो केवल कल्पना में हो, सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या रहेगी। और बहुत सारी जानकारी है इसकी, समझ आ रहा है? एक घंटा पूरा काल्पनिक संख्या को डील कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है, सिलेबस में आपके है नहीं। तो केवल ध्यान रखिए, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्याएं होंगी, ध्यान रखिए, वर्गमूल दो को आप काल्पनिक नहीं बोलेंगे ना, ये तो वास्तविक हो जाएगी। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में होनी चाहिए। इसको छोड़कर जो संख्याएं बची वो वास्तविक, वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृत दो प्रकार की, सम और विषम। पूर्णांक तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। इसके अलावा दो संख्याएं और कवर करेंगे इनके साथ में, एक है अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, और दूसरी है भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कल इन संख्याओं के बारे में पूरा लिखवाऊंगा, इनके क्वेश्चंस भी कल देखेंगे। तो आज ज्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सिलेबस पे बातचीत चल रही थी। साइंस की, सोशल साइंस सारी क्लासेस होंगी, शेड्यूल आपको मिलते रहेगा। फिलहाल ये दो क्लासेस चल रही हैं आपकी, कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हैं, कल करेंगे इस पे काम आगे का। कौन से विषय? इकोनॉमिक्स का तो नहीं है जी, आज से स्टार्ट हो रही, मैथ्स की है उसमें, हिंदी की है, वाणिज्य है, और कौन सा है, इतिहास। इन विषयों की स्टार्ट हो रही आज से, शाम को 4 बजे से, लेक्चरर में, व्याख्याता में, मैथ की हो रही है, इतिहास है, हिंदी है और वाणिज्य है, इन विषयों की है, फिलहाल इन विषयों की है, आगे चलकर स्टार्ट हो सकती है। व्याख्याता में देखेंगे तो 100 नंबर का विषय है ना वो, और 50 में 30 का CDP, 5 का हिंदी, 5 का अंग्रेजी, 5 का कंप्यूटर, 5 का सामान्य ज्ञान, यही तो है ना मेन, मतलब वो विषय ही है, बाकी तो आप यहीं पे कवर कर लेंगे, मेन वो 100 नंबर का विषय है। बन जाएगा यहां तक तो, कुछ ज्यादा कुछ बातें समझाए नहीं हूँ। संख्या की परिभाषा देख सकते हैं, इसके बाद संख्या का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं,
इस पे काम कल करेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे, स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी कहीं ना कहीं संख्या के बारे में। कुछ प्रश्न है किसी और का बताइए, ऑनलाइन में किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए, इसके आगे फिर कल देखते हैं। बताइए कुछ भी डाउट होगा तो। किसको चाहिए? इंग्लिश का डेमो चाहिए, उसके बाद ही आप रेगुलर लेंगे एडमिशन, ऐसा? यूट्यूब में देख लीजिए, नहीं है क्या वीडियो? यूट्यूब में देख लीजिए वीडियो, आप यूट्यूब में आप देख लीजिए, वही फैकल्टी मिलेंगे आपको, मैडम पढ़ाएंगी, दो मैडम हैं, एक और मैडम आई हैं, तो आप यूट्यूब में देख लीजिए वीडियो। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे मान लीजिए आपको पसंद नहीं आया तो आपको थोपा जाएगा, चेंज कर देंगे वो तो। बाकी अच्छे फैकल्टीज हैं, अभी तक जो बैचेस चल रहे हैं किसी बैच में शिकायत किसी फैकल्टी की नहीं आई है, जो फैकल्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं यूट्यूब में वही फैकल्टीज डील करेंगे और अच्छी से ही पढ़ाएंगे, कहीं पे शिकायत नहीं आएगी आपको। बाकी अगर मान लीजिए दिक्कत आती है आपको आगे चलकर तो आप बिल्कुल बात करिए, मेरे से बात कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। आपको समझ आ रहा है, जो छात्रों के हित में रहेगा वैसा ही काम करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको थोप दिया जाएगा, पढ़ाने जानता है तो ठीक, नहीं जानता है तो भी ठीक। बाकी ऐसे कोई फैकल्टी हम लाते नहीं है, रिक्रूट नहीं करते जो जानते ही नहीं पढ़ाने। कंटेंट आपको अच्छे मिलेंगे, पूरे ऑथेंटिक मिलेंगे, गलत कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं मार्केट में बहुत सारे आपको दिखा दूंगा वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स जो बना के डालते हैं, बड़ा बड़े चमकाते हैं आजकल अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको दिखा दूंगा इतनी गलत चीजें पढ़ा रहे हैं ना, मैथ्स को ही बता दूंगा मैं आपको, इतनी गलत चीजें आपको दिखा दूंगा, आप देखना परिमेय अपरिमेय पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या होता है ये, और मार्केट में क्या क्या पढ़ा रहे हैं लोग। बहुत कुछ मार्केट में फालतू की चीजें चल रही है, तो आप देखिए सोशल मीडिया को देखिए अच्छी से, आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, उसमें जो फैकल्टीज आपको दिखाई देंगे ना वही पढ़ाएंगे, क्लासेस वही है, सारी टीम लगभग उसमें है, उसमें आप विषय देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। डेमो 2-3 दिन का रहेगा, अब इसमें चेंज करेंगे फैकल्टी को तो फिर वो लेक्चर बर्बाद हो जाएगा। अब जैसे मैं कल नहीं आऊंगा फिर मैं परसों आऊंगा तो उसमें आज का लेक्चर पूरा खराबी हो जाएगा। ये इसको रेगुलर क्लास ही मान के चलिए भाई, डेमो मतलब कि वो बिना पैसा के अटेंड कर रहे हो आप, ये बात से बस समझ आ रहा है। डेमो मतलब ये नहीं कि हम लोग बस आ रहे हैं अपने आप को दिखा रहे हैं, रेगुलर क्लास ही है, बस ये कि बिना पैसा के आपको अलाउ कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, कि आप देख लीजिए सेटिस्फाइड हो जाइए, जैसे आपको अभी मिल रहे हैं फैकल्टी वैसे ही बाकी विषय के मिलेंगे, इसको रेगुलर ही मान के चलिए। नोट्स प्रॉपर बनाइए, कल देखना कितना सारा पढ़ लेंगे आप, और आज भी तो सिलेबस पूरा डील कर ही लिए हैं आप, तो रेगुलर ही मान के चलिए इसको। ऐसा नहीं कि डेमो है कुछ, डेमो कुछ अलग नहीं होता है यार, डेमो बस आपकी सुविधा के लिए कि आप देख लीजिए परख लीजिए 2 दिन में, बाकी 2 दिन में क्या ही परख पाएंगे आप। अगर हमको घुमाना ही होगा तो हम ऐसा घुमा सकते हैं 2 दिन में यार आपको, समझ आ रहा है? तो ऐसा कुछ डेमो नहीं है, आप वैसे भी यूट्यूब कहीं ना कहीं देखी क्या हो यार, देखे हो ना हम लोग का चैनल, हम लोग के वीडियोस देखे ही हो आप, इसको देखी के तो आए हो यार। इंग्लिश का भी अच्छा ही चलेगा, हिंदी का भी सुधीर सर ही लेंगे क्लास, अच्छा ही चलेगा, सारे विषय अच्छे चलेंगे, चिंता मत करिए। कहीं पर दिक्कत हुई आपको आगे चलकर तो आप बात करेंगे, जैसा सही रहेगा आप लोगों के लिए वैसा ही करेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। चलिए कल देखते हैं इसका आगे।